हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक और मूवी का रिएक्शन लेके आए हैं जिसका नाम है शेरू बेस्ट पिको। शेरू जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बने हुए हैं, जो बहुत ही फेमस हैं, और ये मूवी बहुत अच्छी होने वाली है। ये मूवी वैसे तो सिनेमाघरों में आने वाली थी, पर किसी कारण से ये अमेजन प्राइम पे आ रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है ना, जो शेरू बने हुए हैं, वो मुंबई में रहते हैं, ऐसा ट्रेलर में दिखाया गया है। तो ऐसा करते हैं, हम पहले ट्रेलर देखते हैं, इसके बाद में इसका रिएक्शन। शादी आप अपनी मर्जी से करती है। मुंबई ले जाएंगे ना, मैं भोपाल में नहीं रहना। शादी कर ले यार, बताया नहीं तुमने। कौन है तू? जो तुझे बता रहा हूँ ना, एमसी है, जो तेरे से परमिशन लेते हैं। गड़बड़ लग रही है मुमताज, क्या कुछ किया ऐसे? चाचा कुछ नहीं किया, जायदादी नहीं, यही तो गड़बड़ है। कैसे मेरा बच्चा? अभी भागे। भागे मतलब? फिरोज खान अफगानी ऐलान करते हैं कि वह आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। नफरत तैयार हो गया, इसमें टीवी, एसी, म्यूजिक, आईपैड, यूपैड सब फैसिलिटीज होगी इंशाल्लाह। बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। दो ड्राइव वाला हूँ। बिग रेस, बिग लाइफ, नो रेस, नो लाइफ। इश्क हो गया मैं आपसे। दिल में ना उड़ा, तो ये बात इनको सलमान खान तक को ना बोला। English interest hai aapka? I like it. I can speak in Punjabi also. It's not about machine gun you spray over the terrorist attack. It's love. About two people under one sky. And the happy marriage, you know what I mean? तो ये मूवी आ रही है 23 जून को Amazon Prime पे। तो आप तैयार हो जाइए मूवी देखने के लिए। आया गया वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वैसे भी एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं और वो अपने आप में हीरो है। स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें हीरो बनना था और उनके घर वाले उनके लिए एक लड़की ढूंढ रहे होते हैं, ऐसा ट्रेलर में दिखाया गया। तो उनके लिए एक लड़की ढूंढी जाती है जिसका नाम टीकू होता है, और वो सिर्फ इनसे इसलिए शादी करती है क्योंकि उसे भी बम्बई जाना होता है। और जब दोनों की शादी हो जाती है तो वो पहले पूछते हैं कि तुम अपनी मर्जी से शादी कर रही हो या घर वालों के दबाव में। तो टीकू कहती है कि नहीं, हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, क्योंकि टीकू की उम्र 21 साल होती है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो शेरू बने हैं उनकी उम्र 40 के पार होती है। एक दिन वो सारा सामान टीकू पैक करके और अपू चक्कर हो जाती है। तो ये मूवी के ट्रेलर दिखाया गया और मूवी बहुत अच्छी होने वाली है, दमदार होने वाली है। तो आप तैयार रहिए और ये मूवी जरूर देखिए, क्योंकि ये अमेजोन पे आ रही है, अमेजोन प्राइम पे आ रही है, आप कभी भी देख सकते हैं। वैसे 23 जून को जरूर तैयार हो जाइए, क्योंकि ये मूवी में दिखाया गया है कि बाद में जो उनकी शादी हो जाती है टीकू की, जब शेरू से, तो सब लोग कहते हैं कि इन्होंने शादी कर ली तो कैसे शादी करी, इन्होंने कुछ किया नहीं। दिखाया जाता है वो कहता है कि यही तो समस्या है कि इन्होंने कुछ किया नहीं, और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। फिर धीरे धीरे वो उनको लेके जाते हैं वहाँ पे, ऐसा ट्रेलर में दिखाया गया है, एज उनको लेके जाते हैं बम्बई। और उनका और शेरू का दोनों का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से होता है। ये धमाकेदार और कॉमेडी और थ्रिलर तीनों मिला के पिक्चर बनाई गई, और पिक्चर बहुत अच्छी है। मणिगढ़ का बैनर के तले बनाई गया कि टीकू का सपना है बम्बई जाने का, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो शेरू बने हुए हैं वो तो ऑलरेडी वहाँ पे बम्बई में रहते हैं और उन्होंने कई मूवी बनाई हैं। तो जब टीकू को ये पता चलता है कि नवाज दोनों के सपने एक ही थे, पर उन दोनों के लिंक ड्रग माफिया से, और सब लोग में थोड़ा थ्रिलर भी है, ड्रामा भी है, और कॉमेडी तो बहुत है, भरपूर है। तो तैयार हो जाए, संघर्ष करता है, और बहुत संघर्ष करने के बाद उसकी 49 साल की उम्र हो जाती है, और 21 साल की लड़की उसे शादी के लिए हाँ मर्जी से कर रही हो या किसी के दबाव में आके कर रही हो, कहती है कि हाँ शादी कर रहे हैं ना, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, पर मेरी शर्त है कि आप हमें बम्बई ले जाना। तो वो बम्बई ले जाते हैं उनको और दिखाते हैं, जब वो सामान लेके भाग जाती है फिर दोबारा उनके पास आते तो वो दिखाते हैं कि यहाँ हमारा बंगला बन रहा है, यहाँ इतना गार्डन होगा, यहाँ पे इतना सब कुछ होगा, ये सब कुछ दिखाते हैं। फिर वो सच में एक दूसरे से प्यार करने के लिए लगते हैं, क्योंकि टीकू की उम्र 21 साल होती है और शेरू की उम्र 49 साल होती है, और दोनों के सपने एक होते हैं, बहुत बड़ा सुपरस्टार बनना। टीकू भोपाल की होती है और वो भोपाल छोड़ के बम्बई जाना चाहती है, और उसका सपना तब पूरा होता है जब शेरू के घर वाले उस लड़की को देखते हैं और
शेरू से बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है और वो खुशी से पागल होके भोपाल आ जाते हैं और कहते हैं कि दोनों लोग ड्रग्स में और माफिया में फंस जाते हैं। तो देखना ये है कि ये कॉमेडी और थ्रिलर और सस्पेंस वाली मूवी कितनी अच्छी होने वाली, क्योंकि इस मूवी में बहुत मेहनत की है। निजामुद्दीन सिद्दीकी वैसे भी बहुत मेहनती इंसान है, उन्होंने आज तक जितनी भी पिक्चर बनाई है चाहे कॉमेडी पे बनाई हो और चाहे थ्रिलर पे बनाई हो, जब भी उन्होंने एक्टिंग की है बहुत दमदार की है और वैसे भी हमको उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। तो आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। और 23 जून को बिल्कुल तैयार छे धमाल मचाने वाली है और इसमें जो मूवी में दिखाया गया उसमें जो कहानी है वो एक रियल, मतलब रियल तो नहीं कह सकते हैं, पर एक पारिवारिक कहानी है, एक इंसान की कहानी है जो कितनी मेहनत करता है। और जो टीकू बनी हुई है अभिनीत कौर, उनको आपने बहुत बार देखा होगा सीरियल में, बहुत बार आती हैं। अब उन्होंने पहली मूवी बनाई है और वो अमेजन प्राइम पे आ रही है। अभिनीत कौर सिंह का कितना धमाल होता है, क्योंकि धमाल तो होगा ही होगा, वो 49 साल की और वो 21 साल की है, पर दोनों के सपने एक हैं और रास्ता एक है। बस वो भोपाल से बाहर जाना चाहती है, इसीलिए उन्होंने सेदू से शादी करने के लिए हमें भागी होती है और फिर एक बार उनका सारा सामान लेके वो चंपत भी हो जाती है। तो निजामुद्दीन सिद्दीकी की जो मूवी है ना, वो वैसे भी एक्टिंग बहुत बहुत दमदार है, क्योंकि ट्रेलर में दमदार है तो रियल में भी बहुत दमदार होगी। तब तक के लिए नमस्कार।